बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपनी आज की वीडियो में मैं आपको क्रोशिए के साथ बना हुआ ये छोटा सा फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। ये पफ स्टिच के साथ बनाया, आप इसको बना के कमीज़ के गले पे लगा सकती हैं, ये बनाकर बच्ची के फ्रॉक पर या कैप पर भी लगा सकती हैं, बनाकर ऐसे पिन पे लगा सकती हैं, क्लिप पे लगा सकती हैं और इसका हेडबैंड भी बना सकती हैं। ऐसे सिंपल हेडबैंड लेके ये फ्लावर बना के आप उस पर भी लगा सकती हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया। इसका सेंटर बनाने के लिए अपनी दो उंगलियों के ऊपर एक ऊन लपेट के एक छोटा सा रिंग बनाएंगे, इसको मैजिक रिंग कहते हैं। तो यहाँ से ऐसे क्रोशिया डाल के तो ऐसे इस यहाँ से उनको पकड़ लेंगे और एक यहाँ पे चेन बना लेंगे से। तो अब इसके अंदर से अगर 6 पेटल का बनाना है तो फिर हम 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगर 5 पेटल का फ्लावर बनाना है तो फिर हम 10 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और चेन बना के तो यहाँ पर इसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया और एक चेन बनाएंगे। ऐसे हम हर एक हाफ डबल क्रोशिया के सेंटर में एक चेन बनाएंगे, पेटल बनाने के लिए स्पेस बनाएंगे, एक चेन और एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन और एक हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे मैंने इसके अंदर एक चेन, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन हाफ, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते बनाते 12 हाफ डबल क्रोशिया और 12 ही चेन बना लिए। आखिर में एक चेन बना के तो इसको रिंग को बंद करने के लिए स्लिप स्टिच लेंगे, सेंटर से जब इसको खींचेंगे तो ये सेंटर से ऐसे क्लोज हो जाएगा और इसको बंद करने के लिए यहाँ पर अटैच करने के लिए जो हमने स्टार्ट में दो चेन बनाई थी, दूसरी वाली चेन से ऐसे एक स्लिप स्टिच लेके तो इसको ऐसे बंद कर देंगे। ऐसे ये इसका सेंटर बन गया। अब इसकी पेटल बनाने के लिए जो हमने एक हाफ डबल क्रोशिया के सेंटर में एक एक जो चेन बनाई है उस स्पेस से हम दो दो स्पेस से एक एक इसकी पेटल बनाएंगे। तो ये इसकी पहली जो इसकी स्पेस है, यहाँ से जो पहले ही हमने चेन बनाई थी यहाँ से हम पेटल बनानी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में हम पहले 3 चेन बना के तो पफ स्टिच बनाने के लिए जैसे हम डबल क्रोशिया की तरह ऐसे लंबा लूप खींचते हैं लेकिन उसको मुकम्मल जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे उसको बनाना नहीं है, बस लंबा लूप खींचना। तो इसके अंदर से हम पहले जो स्पेस है उसके अंदर से 5 दफ़ा करेंगे, जैसे 2, 3, 4 और 5 ऐसे 5 दफ़ा लूप खींच के फिर जो अगली एक चेन की स्पेस है उसके अंदर से फिर से 5 दफ़ा खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 10 दफ़ा इसके ऊपर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से ये वाली उनको ऐसे ही यहाँ से पकड़ लेना है और क्रोशिया के ऊपर बाल डाल के, ये जो क्रोशिया के ऊपर बाल डाल है इसको ये जो सारे हमने लूप बनाए हैं इनके अंदर से गुजार के तो यहाँ से ये जो 3 चेन बनाई थी ये इस चेन के अंदर से भी ऐसे गुजारना है और ये जो हमने लूप बनाया था इसको क्रोशिए के ऊपर डाल के इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेना और फिर क्रोशिए के ऊपर बल डाल के ये जो दोनों चेन है क्रोशिए के ऊपर इनके अंदर से ऐसे गुजार के यहाँ पे थोड़ा सा इसको टाइट करके तो फिर यहाँ पर हमने 4 चेन बनानी है।
से चार चेन बना के। तो यहाँ पे जो हमने दूसरी दफ़ा जिस स्पेस के अंदर से हमने ये लूप बनाए हैं पफ स्टिच बनाने के लिए, उसके अंदर हम ऐसे स्लिप स्टिच ले लेंगे। ऐसे ये इसका पहला पेटल बन गया। अब फिर इसकी अगली पेटल बनाने के लिए हम यहाँ पे फिर से जैसे यहाँ पे स्टार्ट पे तीन चेन बनाई हैं, ऐसे तीन चेन बना के से, और फिर से हम क्रोशिया के ऊपर पल डाल के अब ये जो अगली स्पेस है इसके अंदर से हम पांच दफ़ा, जैसे पहले हमने पफ स्टिच बनाने के लिए लूप निकाले हैं, ऐसे पांच दफ़ा लूप निकालेंगे, तीन चार और पाँच, पाँच दफ़ा निकाल के फिर से क्रोशिया के ऊपर बल डाल के फिर ये जो अगली स्पेस है उसके अंदर से पाँच दफ़ा निकालेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच दफ़ा निकाल के फिर से जैसे हमने पहले किया ऐसे ही करेंगे, क्रोशिया के ऊपर बल डालना है और यहाँ से इसको ये जो ऊन है यहाँ से इसको पकड़ लेना है, और ये जो बाल है इसको इन जो सारे लूप है इनके अंदर से गुजारते हुए यहाँ से ये जो तीन चेन पहले बनाई थी उसकी भी चेन के अंदर से ऐसे गुजारना है, ऐसे यहाँ पे ला के अब ये जो हमने यहाँ से इसको पकड़ा था अब ये वाला लूप इसके अंदर डालना है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा टाइट कर लेना और फिर ये क्रोशे के ऊपर बाल डाल के इनके अंदर से ऐसे गुजारना है, क्रोशिया के ऊपर जो तीन दो चेन है उनके अंदर से गुजारना है यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइट ऐसे करके। तो फिर यहाँ पर चार चेन बना के, चार चेन बना के फिर से अभी जिस स्पेस के अंदर से पांच लूप निकाले हैं उसके अंदर स्लिप स्टिच ले लेना, ऐसे ये अगला पेटल भी तैयार हो जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही बाकी जो हैं दो दो स्पेस से एक एक पेटल बनाते जाना है। तो ये मैं बना के आपको दिखाती हूँ, इसके ऐसे पांच जो हैं पेटल बन गई हैं। अब इसकी आखिरी पेटल बनाते हैं। और फिर यहाँ पर चार चेन बना के फिर ये यहाँ पे हमने जहाँ से अभी पांच लूप निकाले हैं उसके अंदर स्लिप स्टिच ले लेना, ऐसे यहाँ पर एक चेन बना के तो इसका एंड कर देना। ये फ्लावर रेडी है। अब इसका सेंटर में या तो ऐसे कोई बीड भी लगा सकते हैं, इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं ऐसे अगर किसी को अच्छा लगता है तो, अगर इसके सेंटर में जैसे ये पफ स्टिच के साथ इसकी एक पेटल बनाई है ऐसे एक पेटल भी बना सकते हैं। कंट्रास्ट कलर के साथ अगर बनाना है तो ऐसे कंट्रास्ट कलर लेके तो दो चेन बनाएंगे, दो चेन बना के तो डबल क्रोशिया जितना ऐसे यहाँ से इसको उनको खींचेंगे इतना बड़ा लूप बना लेंगे, फिर क्रोशिया के ऊपर बल डाल के तो जो दो चेन बनाई है पहली चेन छोड़ के जो दूसरी चेन है उसके अंदर से ऐसे ही लूप बनाते जाएंगे जितना बड़ा हमने इसका सेंटर बनाना है। जैसे पफ स्टिच बनाने के लिए ऐसे लूप बनाते जाते हैं डबल क्रोशिया जितने ऐसे बनाते जाएंगे, से जब आखिरी बना लेंगे तो यहाँ से उनको पकड़ लेंगे क्रोशिया के ऊपर ऐसे बल डाल के तो इसके ये जो लूप बनाए हैं इनके अंदर से गुजारेंगे।
से, और यह जहाँ से पकड़ा था उनको उसको क्रोशे के अंदर डाल के, तो इसके अंदर से ऐसे एक चेन बना लेंगे। ऐसे ये इसका सेंटर बन जाएगा। यहाँ पर एक चेन बना के तो उनको काट देंगे ऐसे इसके सेंटर में रख के, नीचे से क्रोशे ऊपर लेके जाके, तो या उनके इसको सुई के साथ भी लगा सकते हैं और इजीली क्रोशिए के साथ भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ से भी इसके जो दोनों धागे हैं उनको नीचे ले जाएंगे और ऐसे ये रेडी है। इसके जो धागे हैं सारे एंड में इनको एक दूसरे के साथ अटैच करके तो काट देंगे। और इसको अगर हमने किसी जगह पे लगाना है तो इसमें ऊन के साथ ऐसे सुई में ऊन डाल के भी लगा सकते हैं। अगर हमने इसकी कोई और चीज़ बनानी है तो फिर हम सुई में यही वाली ऊन डाल के, जैसे ये एक बना लिया इसके साथ अगर एक और बनाया तो यहाँ पर हम ऐसे इसके साथ अटैच करके ये काफ़ी ज़्यादा बना के तो हम कोई भी इसकी चीज़ बना सकते हैं। ऐसे किसी कमीज़ के गले पे लगाने हों तो वो भी ऐसे एक जिस शेप में गला है उसकी उस शेप में ऐसे इसको लगाते जाएंगे तो ये बहुत प्यारे लगेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे, आप बनाना सीख जाएंगी और आप मेरे चैनल को देखते रहें। मैं इस तरह के और बहुत आसान और प्यारी प्यारी चीज़ें बनाना सिखाऊँगी।